चाहती है और एनआरसी के खिलाफ क्या क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि ये तो मुसलमानों के लिए है ही नहीं, ये सबके लिए है, ये सबके लिए आसाम की हालत अगर देखेंगे तो 14 लाख उसमें हिंदू भाई, तो हमारे हिंदू भाई भी क्यों परेशान हो? जिन लोगों ने ये लागू किया है, पहले मैं जाती हूँ वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बताए, वो अपना पत्र बताए, वो साबित करे कि वो इंडियन नेशनल है, उसके बाद दूसरों से पता करे। जब खुद ही नहीं जानते कि इंडियन नेशनल है, आज आप बीजेपी के किसी को बोल दो कि आप नेशनलिस्ट हो गए नहीं, वो आपको बताएंगे कभी उनके हर ये तिरंगा लेकर वो लोग नहीं निकलते। 70 साल का डॉक्यूमेंट मांग रहे कि आप लोगों के पास मिलेगा 70 साल का डॉक्यूमेंट? किसी के पास भी नहीं है भाई, किसी के पास भी नहीं। आज ये मुल्क बहुत गरीब है, यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे घर में पैदा होते हैं, तो जो घर में बच्चे पैदा हुए हैं उनके पास तुम बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? गाँव किसान लोग किसान मर रहे हैं, ये सब लोगों का सर्टिफिकेट नहीं है। और हम सर्टिफिकेट क्यों दिखाए? क्यों दिखाए हम सर्टिफिकेट? मैं देखिए ये मेरा वोट है, आप कहते हो हमारा वार्ड भी अमान्य होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है, तो सबसे पहले आप वो कैंसिल करिए, चौकीदार को हटाइए क्योंकि वो हमारे वार्ड के आधार पे आया है, जिसके निशान भी अभी तक नहीं गया है और उसने ये सारे फितने फैलाना शुरू कर दिया है। क्यों जाइए? हमारा देश है, हमारे बाप दादा का देश है। हम अगर जीत जाएंगे तो वतन मुबारक, मर जाएंगे तो कफन मुबारक। जिएंगे मरेंगे यही मरेंगे। ये मोर्चा आप कब तक चालू रखना चाहते हैं? मरते दम तक मोर्चे के बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात मुकम्मल हो जाए दीजिए। वो ये बोलती है कि हम लोग बोतल देते घर रहे थी, शराब की बोतल 5-5 हजार देते तो हमको आने मिलता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमको तार तरीके से लगाती है, तो जरा उधर में मेरा दे दीजिए आप। आज का मोर्चा भी इसीलिए है कि भाई हमको सीएए भी नहीं चाहिए, एनआरसी भी नहीं चाहिए और एनपीआर तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, डोंट डू एनी स्टेप, यू जस्ट सेंसेस। आप सेंसेस दीजिए, नरदुक्षुमारी दीजिए। पूरे 11 साल के बाद में जब हम करने जा रहे हैं 2011 के बाद में, आप पूरे इंडियंस को डाउन दीजिए, सबको रोटी कपड़ा मकान दीजिए, शॉर्टकट में और सीधी लाइन के ऊपर ट्रैक पे चलिए, यहाँ से घूम वहाँ से घूम वहाँ पर जाइए, रोटी कपड़ा मकान करके दे दीजिए सबको। बेरोजगारी है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जीने भी कहाँ से कहाँ चली गई है। अब ये जो बाहर से लोगों को नागरिकता दी जाएगी, उन लोगों का खाना कपड़ा मकान कहाँ से लाओगे? अरे पहले इस देश की अर्थव्यवस्था तो बराबर करो, एजुकेशन सिस्टम बराबर करो, लड़कियों के यहाँ जगह जगह रेप हो रहे हैं उन चीज़ों पर ध्यान करो। ये जो NRC और CAA लागू हो रहा है उसमें जो खर्चा होगा ये पैसा कहाँ से आएगा? ये हम टैक्स भरेंगे वही तो आएगा ना, तो ये सारा टैक्स का पैसा अच्छी जगह पे लगाओ, शिक्षा पे लगाओ, बेरोजगारी पे लगाओ, GDP बढ़ाने में कोशिश करो। आज हम चीन से मुकाबला करते थे, आज हमको बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है, तो पहले इन हालतों पे स्ट्रगल करो। चार जगह बैंक लूट गई है तो उसका कहाँ से वो प्रूफ? हम लोग कौन देगा वो प्रूफ? कहाँ से वो गरीबों का पैसा कैसे वो देगा मोदी? और वो मोदी कौन होता है हम लोग को देश से निकालने वाला? पहले खुद की तो SSC की तो सर्टिफिकेट दिखाया हम लोग को, SSC की सर्टिफिकेट दिखा कर, अरे तुम्हारे हाथ में SSC की सर्टिफिकेट तो है, जाकर हम लोग को देश से निकालने चले चाय वाला संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मर गए तो कफन मुबारक।
हमारा वतन है, हमारा था, इंशाअल्लाह अजीज हमारा रहेगा। हमारे बड़ा उलमाओं ने, हमारे मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है इस देश के लिए। जहाँ पर यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली नहीं, नहीं ये अपना है ना समंदर ही पे नाम देखो, टोटल मुस्लिम सिख, हाँ इंडिया गेट पे नाम देखो, इंडिया गेट पे हमारे हमारे मुसलमानों के नाम है 61,000। उसमें आरएसएस का गुंडों का कहीं भी नाम नहीं है, और उसमें भगवा गुंडों का, बजरंग दली गुंडों का कहीं भी नाम नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, और इंशाल्लाह हिंदुस्तानी पहले से थे। एनसीआर के हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, तो जो हमने वोट दिया था फिर वो भी इलीगल होना चाहिए। उस हिसाब से जो हमने किसी जिसको वोट दिया है उनको भी हटा दीजिए पद पे से, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि हम इंडिया के नागरिक नहीं है, एनआरसी और कैब लागू होगा, तो ये वोटिंग के टाइम पे कहाँ गई थी आपकी बातें। और जो हम मुसलमान जो सब में ज़्यादा आगे रहते हैं, वोट देते हैं और हर चीज़ करते हैं, तो उनका आपके बारे में क्या कहना है? जो भी हमने किया है उन सबको पहले कैंसिल करिए, क्योंकि हम एनसीआर और हमको कैब की ज़रूरत है और हम लोग इलीगल है। आपके बोलने का मतलब है हम लोग इंडिया के नागरिक नहीं है, तो जो भी हमारे से वोट लिए गए हैं और जो भी सोशलाइज किया हुआ है उन सबको आप डिमोनिस कर दीजिए और उसको कैंसिल कर दीजिए। गोदी मीडिया के विरोध बहुत बड़ा गुस्सा है उनका, वो देखना चाहते हैं यहाँ पे कोई गोदी मीडिया नहीं है, सैटेलाइट मीडिया कोई नहीं है, आज तक नहीं है, जी न्यूज़ नहीं है, और हमारे जैसे जो है अपना सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक सच्चाई पहुँचाना काम कर रहे हैं, हम जानते हैं उसका उनका गुस्सा किस तरह से दिखता है। आज मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, सारे मीडिया वाले आज कहाँ हैं? जब इतना बड़ा भीड़ का मजमा है तो आज तो उन लोगों को होना चाहिए था, पब्लिक के साथ मीडिया होना चाहिए, मीडिया बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आज आप जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, सिर्फ मीडिया नज़र नहीं आ रही है। मीडिया कहाँ है? और ये CAB NRC क्या है? हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों बताएं कि हम ये देश के वासी हैं? हमारे बाप दादा सब यहीं पर पैदा हुए। मैं चाहूँगी जो लागू कर रहा है पहले वो अपने सर्टिफिकेट्स बताए, अपना सब कुछ बताए, बाद में घर घर जाए और जिसमें सर्टिफिकेट बताए, और जो भी किया है वो हमारे वोटों के बल पे ही, ये देश हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे बाप दादा का देश है, हिम्मत है तो हमको निकाल के बताओ। और सारे BJP के कार्यकर्ता से मैं एक ही निवेदन करूँगी, तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन फेसबुक पे नजर आना चाहिए, जब NRC होगा उससे पहले नहीं होगा। क्या तुम हिंदुस्तानी हो? बताओ हमको पहले, फिर दूसरे हिंदुस्तानियों का प्रमाण पत्र लो। हमारा मशहूर है विविधता में एकता पे, जब आप मुसलमान निकाल दोगे तो विविधता में एकता कहाँ से लाओगे, कहाँ पे बताओगे? फिर इंडिया जो इतना ऊपर आया है हर चीज में बोलता है विविधता में एकता, जब बच्चे ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले लाइन लिखते हैं हमारा हिंदुस्तान विविधता में एकता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, हम एक साथ रहते हैं। तो अब जब हमें निकाल दोगे तो अपने इंडिया को फिर आप कहाँ ढूंढोगे? हम कहीं नहीं जाने वाला, ये हमारे बाप दादा का देश है। हिंदुस्तान हमारा है, इस जमीन में हम पैदा हुए, इस जमीन में ही हमको दफन होना है, ये हमारा हिंदुस्तान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। पहले पर अपना सर्टिफिकेट सब दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, बाद में हम लोग को मुस्लिम लोग को बोलिए कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, हमारा हिंदुस्तान है, हम इस मिट्टी में ही दफन होना चाहेंगे। ये मौजी कौन आई है? बहुत बड़ा खुदाई आया है क्या? तुम क्यों डर रहे? डरते क्यों है मौजी से? क्या है? कौन है वो मौजी? वो भी इंसान है, तुम भी इंसान है, यहाँ से मुस्लिम को हटाने की उसकी हिम्मत क्या है? एक मुस्लिम को ऊपर खाली, एक मुस्लिम उठा लो, चाहे मुस्लिम फोन करके, इतना कमजोर मत समझो मुस्लिम को, मुस्लिम कमजोर नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बहन बहन है, कोई इस देश में रहेंगे, इस देश में ये करेंगे, ये देश से कहीं नहीं जाएगा, अगर जाना है तो मोदी ने जाना, ये देश में रहना ना हमारे हिंदुस्तान में मुंह दिखाना नहीं उसने, आज वो क्या समझ के बैठा है? ये देश किसने आजाद कराया? ये देश आजाद कराने के टाइम पे मुगलों ने आजाद कराया, ये देश मुगलों ने आजाद कराया, ये देश तो ये देश हमारा है, ये
देश हमारा है, हम इसके लिए या तो हमें वतन मुबारक होगा या तो कफन मुबारक, मरेंगे तो यही देश में मरेंगे, सबका मरना है, कोई बात नहीं। पहले भी मुसलमानों ने दिए थे बहुत सारी शहीदी, इस बार भी देंगे, हमारा इस्लाम कुर्बानी मांगता है, कोई बात नहीं, हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए सबक है, जीत गए तो वतन मुबारक, नहीं हार गए तो कफन मुबारक। हमारे